नमस्कार, मैं दीपक मिसाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। और चूंकि राजनीतिक उछल पुछल बिहार में लगातार चल रही है और इसको लेकर के अभी अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है। फिलहाल हम अभी हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि पार्टी की अब स्टैंड क्या है। चूँकि जिस तरह से लगातार चिराग पासवान भी जमीनी स्तर पे जुड़ते गए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ हर जगह जा जा करके विजिट किए हैं, अब ये देखना है कि क्या फिर से पार्टी वो पुराने रंग में दिखेगी। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। अभी हमारी पार्टी जो है वो संगठन बनाने पे ज़्यादा ध्यान दे रही है और उनका जो मेन विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, उसकी जो भी आपके विजन डॉक्यूमेंट का जो पार्ट है, हम लोग उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करके लोगों के घर जाके, हर अलग अलग क्षेत्र में जाके लोगों के प्रॉब्लम्स को हमारे राष्ट्रीय सुन रहे हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अलग साइड माहौल हम लोग बिहार में क्रिएट कर पाएँ, क्योंकि रेवोल्यूशन चेंज आना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर हमारी पूरी पार्टी, सारे लीडर्स, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के संगठन में सारे काम क्या किस तरह के संगठन पर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह की चिराग पासवान भी लगातार मुहिम चला रहे हैं अलग अलग जगह पर, तो क्या लगता है कि बिहार में फिर से पुराने रंग में लौट पाएगी रामविलास पासवान? क्योंकि अभी उनके जो चाचा थे पूरी तरह से पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की, इसके बावजूद क्या लगता है कि फिर से खड़ा होने पर ये? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में वो सारे गुण जो उनके पिताजी के हैं, तो कहीं ना कहीं वो लेगेसी उनमें वो है, वो क्रिएट कर रहे हैं और एक इन्फ्लुएंस है उनका। और मैं बार बार, हर बार मैंने इंटरव्यूज में ये कहा है कि चार्म या फिर गुड लुक एक लिमिट तक काम करता है, लेकिन एक लिमिट के बाद आपको अपना पारदर्शिता, आपके अपने हार्डवर्क दिखाना पड़ता है, आप एक्चुअली कितना सोच रहे हैं, उनमें वो पैशन है, वो विजन है, सच में वो बिहार के लिए सोच रहे हैं। इसीलिए हम लोग बार बार वही बोल रहे हैं कि उनके जो मेन विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, विजन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती है, जिसमें महिलाओं के अगेंस्ट में आपके जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, शराबबंदी को लेकर या फिर एक बच्ची के साथ जो घटना घटी उनको लेकर, या फिर हमारे स्टैंड ऑन आवर प्रेसिडेंट उनको लेकर, या फिर हमारे विकास को लेकर, हेल्थ इश्यूज को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, हर एक चीज़ का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया, जहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं युवक का एक आपका संगठन, यहाँ पे आईटी पार्क का निर्माण, फूड प्रोसेसिंग यूनिट छोटे छोटे गांव में जाना, ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग हमारे विजन डॉक्यूमेंट के तहत हम लोग उसको चाहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करना। उसके लिए हर एक क्षेत्र में, हर एक जिला में जाके हम लोग अपना टीम, हमारे टीम को स्ट्रॉन्ग करें, हमारे संगठन बना रहे और लोगों को एक्चुअली बता रहे कि बिहार को बाहर जाके, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिहारी सुनते साथी आपको लोग एक अजीब ढंग से देखते हैं, तो ये गलत बात है। दिल बिहारी है तो सोच भी बिहारी होना चाहिए और आपका सबसे पहला कदम आपके अपने देश के लिए से पहले आपके अपने राष्ट्र के लिए, आपके अपने समाज के लिए और जिस राज्य में उसके लिए होना चाहिए, और राज्य से के बाद आपका आता है आपका जिस जगह से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और इन सारी चीज़ों का एक विजन डॉक्यूमेंट हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो मेन विजन डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसी के अंतर्गत हम लोग सब मिलकर उस पर काम करें। अभी बिहार में ताज़ा चीज़ें आपने देखा कि आरसीपी सिंह और जेडीयू ने किस तरह से उनके खिलाफ संपत्ति ज़्यादा रखने की बातें की, इस पर क्या कहेंगे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे ऑनरेबल सीएम के इतने करीबी थे वो, और जब वो केंद्र में थे तभी भी उनके वो साथ देते थे, मतलब अभी उनको अगर वो क्या कहते हैं बता रहे हैं कि भाई वो भ्रष्टाचार या फिर जो भी उनके अगेंस्ट में है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इतने साल उन्होंने नहीं किया, अचानक से कोई कैसे कर सकता, सडनली कोई पूरे नहीं हो सकता, या तो उनका अपना कुछ मतलब है जो वो सांभ नहीं रहे, और दूसरा ये है कि भाई उनके अगेंस्ट क्योंकि वो खड़े हो गए, कभी बीजेपी के साथ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे ऑनरेबल सीएम को पसंद नहीं आ रही। और हम सबको पता है कि जेडीयू का जो आपका गठबंधन है वो दो खेमे में बटे हुए, एक आपका बीजेपी को सपोर्ट करते, बीजेपी को नहीं सपोर्ट करते, तो कहीं ना कहीं इस चीज के शिकार जो है वाजपेयी सिंह भी हो रहे हैं, और इसी चीज को, यही चीज जो हमारे ऑनरेबल सीएम को पसंद नहीं आ रही, अचानक से आप किसी के अगेंस्ट कुछ भी बोल देंगे और हम लोग मान लेंगे या फिर नॉर्मल जनता मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। या तो पहले से था, आपने 9 साल छुपाया, या तो फिर अचानक से कहां से हो गया। व्हाट इज द मेन इशू? इशू यही है कि आपको, आप क्योंकि आप उनके हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हो, हर बात मान नहीं रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनको ये फील हो रहा है, ये बिकम अनइजी, उनको अभी ऐसा अनइजीनेस फील हो गया कि बाप रे अभी तो ये आएंगे और हमारी
जेडीयू में वो फूट डाल के चीजों को अलग करने की कोशिश करेंगे। इसी डर से वो उनसे पहले एक अटैक कर दिए कि भाई चलो इनके अगेंस्ट में कुछ भ्रष्टाचार के दुनिया भर के अकाउंट्स या व्हाटएवर एक्सपाइज हम लोग देख रहे हैं, इसमें जांच होनी चाहिए, इसमें अच्छा से इसमें और क्या कहते हैं विस्तारित हम लोग को भी पता चले, जस्ट बिकॉज हमारे सीएम बोल रहे हैं बोल के वी आर नॉट गोइंग टू। क्या लगता है कि आगे भविष्य में जो आपकी पार्टी ये जेडीयू के साथ जाने की तैयारी कर रही है क्या? अभी सच बता रहे हैं तो हमारे ऐसा कोई गठबंधन का एज ऑफ नाउ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तरफ से कुछ भी नहीं आया। अभी हम लोग कोई भी एनडीए गठबंधन में नहीं जा रहे हैं। अब फ्यूचर क्या होगा वो आप लोग भी देखिए। मैंने एनडीए की बात ही नहीं, एनडीए में चूंकि आप कुछ पहले बाद में बहुत सारी चीजें जो है पूरा बिहार जानता है जी, लेकिन अभी कयास लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान जेडीयू में लोकसभा चुनाव मिल करके लड़ने की तैयारी करें क्या? ऐसा नहीं, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन एज ऑफ नाउ हम लोग के पास नहीं है, और होगा तो सबसे पहले आप ही लोगों के पास आएगा।